सलाम और राम राम। मैं आपका भाई विनय। आज भाई आपको शौक करवाने के लिए आया हूँ फिर से। जो मेरे कबूतर, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो डाली थी अपने कबूतरों का जो इनाम लगा था, तो भाई उन कबूतरों का शौक करवाने आया हूँ। और भाई शौक करवाने से पहले भाई मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा अपने उस्ताद जी का, पप्पू जाट उस्ताद जी जो हमारे हैं भाई एकता पिजन क्लब वाले, ठीक है, जो मेरे उस्ताद हैं उनका। और दूसरा भाई अपना बिट्टू भाई है हमारे फतेहपुर से भाई उनका, और हमारे भाई नवीन भाई, नवीन भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी मेरे आप लोग सब्सक्राइबर हो, देखने वाले हो, जो हमारी वीडियोस पे कमेंट करते हो, हमारे कबूतरों को पसंद करते हो, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो हरिनगर के जो जितने भी शौकीन हैं जिन्होंने मेरा इतना साथ दिया, शर्त वाले दिन किसी भी भाई ने कोई कबूतर नहीं खोला, ना कभी किसी कबूतर में हलचल करने दी, उनका भी भाई बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो चलिए आपको शौक करवाता हूँ कबूतरों का, जो कबूतर मेरे उड़े थे। तो भाई सबसे पहले तो मैं अपने भाइयों को अपने टूर्नामेंट्स के कुछ रूल्स और कितने कबूतर उड़ाए थे ये बताता हूँ कि हमारे जो कबूतर उड़े थे हमारे टूर्नामेंट में भाई, वो 12 कबूतर उड़े थे जिसमें से 10 का टाइम नोट होना था। और भाई जो एंट्रियाँ थी भाई वो 45 एंट्रियाँ आई थी, ठीक है, 45 एंट्रियाँ आई थी। और बाइक का ये भाई अपनी मोटरसाइकिल कप का सेमीफाइनल था 10 10 अक्टूबर को, जिसका फाइनल 17 अक्टूबर को होना है, ठीक है। तो ये भाई सारा का सारा इसमें जैसे भी जैसे जैसे कबूतर उड़े थे वो था। और अब मैं बताता हूँ कि भाई लाइन वाइज बताता हूँ कौन कौन से कबूतर मेरे बैठने शुरू हुए थे। सबसे पहला कबूतर दिखाता हूँ भाई मैं आपको, ये मेरा सफ़ेद मकोया लालचीना कबूतर है, ठीक है। और भाई इसमें मुझे कोई वो नहीं है कि भाई ये कबूतर सुबह 7:30 बजे ही बैठ गया भाई, अपना इसकी बाजू में जर्क आ गया था भाई उड़ते उड़ते ना, इस कबूतर की बाजू में जर्क आ गया था। स्टैंप देखो आप इस कबूतर पे, ये भाई ये स्टैम्प, ठीक है। तो ये कबूतर की भाई बाजू में जर्क आ गया था, और ये सुबह 7:30 बजे बेचारा लटकता पटकता लटकता पटकता जाल पे आके गिरा था। और इसकी कबूतर की मैं इतनी दाद देता हूँ कि भाई ये कबूतर इतना जर्क आने के बाद भी सिर्फ उड़ा भी नहीं जा रहा था, ये कबूतर फिर भी सिर्फ अपने जाल पे आके टिका, कहीं गलत नहीं बैठा। दूसरा भाई एक बात इस कबूतर की और बताऊँ मैं, इससे जो लास्ट फटक ली थी मैंने शर्त से, उस फटक में भाई ये ओवर हो गया था कबूतर। सुबह यानी कि 9 बजे कबूतर उड़ाए थे मैंने, तो 6 बजे उतरा भी नहीं था ये कबूतर। तो कभी कभी कुछ नहीं पता होता भाई कौन सा कबूतर के साथ क्या बीत जाती है, मौके पे ही होता है सारे काम। तो ये पहले छोड़ के दिखा देता हूँ मैं आपको, ये भाई मेरा सफ़ेद मकोया पंजाबी है लाल चीनों में से निकला हुआ, ठीक है। तो ये भाई अपना दूसरा कबूतर है सफ़ेद मकोया, ठीक है भाई, ये मेरे सफ़ेद मकोया में नस्ल है। और ये पट्टी वाले कबूतर है भाई, पट्टी वाले कबूतर है। और आप इसके पर देखिए एक बारी, ये पर इसके घिस गए थे काफ़ी, ठीक है, इस वजह से ना ये ज़्यादा देर ऊपर टिक नहीं पाया। तो ये कबूतर 11 बजे भाई पट्टी मारने लग गया था, 11 बजे से 2 बजे तक ये कबूतर पट्टी मारता रहा, और मेरे 10 कबूतर जाके आसमान में बिल्कुल बिंद हो गए थे। तो भाई जो जज आए हुए थे और जो मेरे भाई थे, उन्होंने ये कहा कि भाई ये कबूतर अकेला ही उड़ रहा है नीचे नीचे। हालांकि मुझे ये पता था भाई कबूतर उतरता नहीं, क्योंकि ये कबूतर भाई पट्टी पट्टी पे भाई कबूतर शाम के 7 7 बजे तक 6 6 बजे तक उड़ा हुआ था, ठीक है। पर फिर भी मैंने उन भाइयों की मानते हुए मैं कहा चल ठीक है भाई, शर्त का टाइम है, मैंने भाई अपने कबूतर खोल दिए थे, कबूतर खोल के उतार लिया था ये कबूतर अपना। ये कबूतर हमारा उतरा था भाई 1:55 पे, ठीक है, ये कबूतर भी 8 घंटे करीब मार के, 7.5+ घंटे मार के उतरा था। तो ये मेरा भाई दूसरा पंजाबी कबूतर है, ये देख लो भाई, ये है भाई हमारा पंजाबी दूसरा, ठीक है। वो सुबह कैंसिल हो गया था और ये भाई 1:55 पे उतरा था। और सबसे बड़ी बात भाई मैं आपको बताऊं, मैं वो चीज़ें उन उन कबूतरों की बिल्कुल वो नहीं करूंगा कि भाई जो बहुत तगड़े उड़े उन्हीं उन्हीं को दिखाऊं भाई, जो कबूतर कम उड़ा वो भी दिखाऊंगा और जो कबूतर ज़्यादा उड़ा था भाई उसके उसको। बाद। ये कबूतर है मेरा लाल चीना पंजाबी, ये देख लो भाई, इसके भाई आपको इसके भाई किसी को अगर पेयर चाहिए होगा तो इसके भाइयों का पेयर मेरे पास एक अवेलेबल है, बहुत सारे कबूतर हैं अभी इस टाइम पे, तो कुछ कबूतर मुझे हटाने पड़ेंगे तो मिल जाएगा उसका पेयर। ये कबूतर भाई हमारा 3:46 पे आया था, 4:45 बजे आया था, तकरीबन तकरीबन 9 घंटे पार करके, ठीक है। तो ये कबूतर हमारा लालचीना है जो 3:46 पे आया था। इसके साथ दो कबूतर और आए थे वो मैं आपको दिखाता हूँ, लालचीने की कदकाठी देख लो भाई। और भाई जब ये उतरे थे ना कबूतर, तो भाई उनकी वीडियो भी दिखाऊंगा कितने फ्रेश उतरे थे कबूतर, कोई ऐसा नहीं था मरने को हो रहा है, लटक रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जब कबूतर उतरे थे वो वीडियो भी आपको ज़रूर दिखाऊंगा भाई। एक भाई ये 3:46 पे मेरे दो कबूतर और आए थे, ये भाई सफ़ेद जर्चा पंजाबी है, ठीक है, ये मेरा भाई सफ़ेद जर्चा पंजाबी कबूतर है, मोहर इसकी ये रही, दिखा देना भाई मोहर, ये मोहर है। और ये भाई मेरा सैंधा मद्रासी कबूतर है जो कि काले मद्रासियों में से बना हुआ है, जो भाई लोग ये कहते हैं कि काले उड़ते कम है,
तो उन भाइयों को बता दो भाई ये मेरा सैंधा मदरासी है जो मेरे काले मदरासियों में से बना हुआ है, और ये कबूतर आया था भाई 3:46 पे मेरा। और दूसरी बात भाई मैं आपको एक बात बता दूं कि ये 3:46 पे भी क्यों आए थे। मैंने भाई अगर आपने वो पिछली वीडियो देखी हो तो उस वीडियो में देखना, मैंने 3:30 साढ़े 3 बजे अपनी टैग खोल दी थी, पूरे कबूतर खोल दिए थे। सारे कबूतर खोलने के बाद 3:40 पे उतारे हैं कबूतर, ठीक है। ये देख लो भाई, शौक कर लो, ये मेरा सैंधा मदरासी और वो सफ़ेद जर्चा, ये मेरे कबूतर आए थे 3:40 पे, दो कबूतर, तीन कबूतर, ठीक है, लाल चीना, सफ़ेद जर्चा और सैंधा मदरासी। तो भाई दो कबूतर मेरे 4:40 पे ये उतरे थे, ये हमारी मादी ने और ये हमारा नर है, ठीक है। ये भाई सफ़ेद जर्चे कलचोचे हैं मेरे पंजाबी, तो 4:40 पे ये उतरे थे, तकरीबन तकरीबन 11 घंटे के करीब उड़ के, ठीक है। कबूतरों की बैठक देख लीजिए भाई आप, ये मेरे 4:40 पे उतरे थे भाई, ठीक है मेरे भाई। अब दिखाते हैं बाकी के। उसके बाद भाई मेरे 6:02 पे कबूतर उतरे थे भाई, 11.5 घंटे का सफर पार करके 6:02 पे ये कबूतर उतरे थे, जिसमें एक मेरा जीरा मद्रासी था और एक मेरा सफेद हरी आंख वालों में से था। ये भाई मेरे हरी आंख के पंजाबी हैं, देख लो एक बारी। तो कहते हैं आंख वाले हरी आंखों के उड़ते कम उड़ते कम है, ये देख लो भाई हरी आंख का पंजाबी है ये सफेद मकोया। मैं भी धूप में थोड़ी सी दिखना रही हो पर पूरी हरी आंख है इस कबूतर की, और ये मोहर लगी हुई भाई इसके, ठीक है। ये एक था, ये था, और दूसरा भाई ये जीरा कबूतर था भाई। और इस कबूतर पे मेरे को अगर सबसे पसंद कोई कबूतर बोला जाए तो मेरे पास ये होगा भाई, क्योंकि ये कबूतर मेरे सारे कबूतरों को उतार के लेके आया था, वरना मेरे कबूतर ओवर हो जाते भाई। ये कबूतर है भाई मेरा जीरा मद्रासी, जो सब कबूतरों को उतार के लेकर आया था 6 बजे, पूरे मतलब जो 5-7 कबूतर बिंद रखे थे मेरे, उनको नीचे यही लेकर आया था, और कबूतर ओवर हो जाते अगर ये नहीं होता तो, ठीक है। तो ये देख लो भाई, ये मेरा जीरा मद्रासी कबूतर है, ये भाई मेरा हरे मद्रासी और दुबाजों में से ही बना हुआ है जीरा, ठीक है। तो भाई ये मेरी सफ़ेद मकोई मादिनी है दोनों, जिन्होंने भाई प्राइज विनिंग करवाया है मेरे को। ये भाई 6:21 पे उतरी हैं कबूतरियाँ, और ये जो मैंने सबसे पहले सफ़ेद मकोया दिखाया था ना आपको, जो आधे घंटे में बाजू मान गया था 1 घंटे में, उसकी बहन है भाई, ठीक है। ये भाई एक कटी आंखों की कबूतरी है, दिखा देना भाई, ये कटी आंखों की कबूतरी है, और ये मेरे भाई मकोई कबूतरी है, उनको छोड़ के दिखा देता हूँ। ये देख लो भाई, ठीक है भाई, ये कबूतरियाँ दोनों मेरी थी। और भाई मैंने सिर्फ 3 ही कबूतरी उड़ा रखी थी, 12 कबूतरों में सिर्फ 3 कबूतरी उड़ा रखी थी। जैसे कि लोग कहते हैं ना कि नर नहीं उड़ते, नर नहीं उड़ते, मादिने ज्यादा उड़ती हैं, ऐसा वो नहीं है भाई। जो इन इन मादिनों के साथ नर बैठा है ना 6:21 पे, वो भी दिखा देता हूँ भाई, बस आपकी ट्रेनिंग के ऊपर होता है भाई और नस्ल के ऊपर होता ये है। देख लीजिए भाई, ये नर है जो भाई मेरा बैठा है 6:21 पे 12 घंटे पार करके, ठीक है। ये 3 कबूतर थे जिन्होंने भाई टाइम पे बैठ गए। और भाई एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, कबूतर के पर देखो, पर भाई घिस चुके थे एक बार, 6:21 पे बैठा, सोच लिया कितना दम मारा होगा भाई कबूतर ने। ये कबूतर है भाई मेरा। और भाई मेरे पास कोई बहुत सारी 20-25 नस्लें नहीं है, यही 4-5 नस्लों में से क्रॉस क्रॉस कर करके मैंने कबूतर बनाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे पास 20-25 नस्लें आ रही हैं चलती हुई, यही कबूतर है भाई, इन्हीं की नस्लें हैं सारी। इन्हीं में से मैंने लाल क्रॉस कर रखे हैं, इन्हीं में मैंने काले चीने क्रॉस कर रखे हैं। अब ये सैंधा कालों में से बना हुआ है, तो भाई देख लीजिए ये कालों का ही बना हुआ है। और ये जीरा बना हुआ है भाई, ये भी भाई दुबाज, पिल के दुबाज और जीरे कबूतरों में बना हुआ कबूतर है, ठीक है। तो मैं कोई भाई बहुत लंबी चौड़ी इधर उधर से कबूतर ला ला के नहीं बनाता, मैं अपनी नस्लों में ही बाहर से कबूतर ला के क्रॉस करता हूँ, जिससे कि क्योंकि मुझे एक एक ये तो पता है कि एक बच्चा तो मेरा उड़ेगा ही, क्योंकि जो मेरी नस्ल पे जाएगा, ठीक है। तो भाई ये कबूतर हैं सारे के सारे, और आज भी जैसे कि मैंने कबूतर उड़ाए थे भाई 6:30 बजे, अभी भी कबूतर उड़ ही रहे हैं। क्या टाइम हो रहा है, मेरे ख्याल में 12 बजने को आए हैं। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, सब भाई मेहनत करो। और भाई मैं क्या, 1-2 महीने पहले मैंने पार्टी ज्वाइन करी थी उस्ताद जी की, पर उन्होंने भी मेरे अंदर कुछ देखा होगा कि भाई कुछ काबिल है या किसी मेहनत मेहनत ज़्यादा करता है, तो उन्होंने बहुत साथ दिया, तो भाई सब अपना इनाम लग गया। पहली बार ही दिल्ली कप में कबूतर उड़ाए थे भाई, आज से पहले मैंने कभी कबूतर नहीं उड़ाए थे। आप सबको सच से बता देता हूँ कि आज से पहले मैंने कभी कबूतर नहीं उड़ाए थे। एक मैंने 2 अक्टूबर को उड़ाए थे, उस दिन मेरे हाथों ही कुछ गड़बड़ हुई थी शाम को, तो
उस दिन मेरे कबूतर 3:30 बजे बैठ गए थे भाई, वो पर्चा कहोगे तो वो भी दिखा देंगे। और उसके बाद दूसरा 10 अक्टूबर को उड़ाए थे, जिसमें भाई अपना पहला इनाम लगा था। ठीक है, तो भाई वो कैसे लगे कबूतर, और भाई कैसी लगी हमारी मेहनत, एक बारी कमेंट और लाइक करके जरूर बताइएगा। और भाई मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद आपका। भाइयों को नमस्कार है भाई, मैं आपका भाई विनय हरिनगर से। ये भाई अपने कबूतर हैं भाई, जो 11 घंटे पार करके उतरे हैं कबूतर, 11 भी नहीं बल्कि 12 ही घंटे पार करके उतरे हैं। 6:26 पे कबूतर उतरे हैं, सुबह 6:15 बजे के उड़े हुए। ये देख लो भाई कबूतरों की कंडीशन, ये आपके भाई के कबूतर हैं भाई, जो आपके भाई ने दिल्ली कप में भाई फर्स्ट आया आपके भाई का, आप लोगों के प्यार की वजह से यूँ ही कबूतर भाई उड़ाते रहेंगे और शौक कराते रहेंगे भाइयों का। तो भाइयों मैं बोलता हूँ सभी भाइयों को, भाई नस्ल पे फोकस करो, अच्छी नस्ल बनाने पे करो। अब कबूतरों की हालत देख लो भाई, 11.5 घंटे उड़ के कैसे हैं, ना कोई मरने को आया हो रहा, ना कोई किसी के मुंह फट रहे, ना कुछ हो रहा। ये देख लो भाई कबूतर सभी भाई, 2 मद्रासी उड़ाए थे मैंने और 10 पंजाबी उड़ाए थे भाई, क्योंकि मेरे मद्रासी कबूतर थे उनमें थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, तो मुझे पंजाबी कबूतर उड़ाने पड़े थे। और भाई आज दिल्ली कप में भाई 45 एंट्रियाँ थी, तो आपके प्यारे भाई का भाई फर्स्ट प्राइज़ लगा है। ये कबूतर है भाई, और ये कबूतर हमारा टाइगर, ये भाई सबसे आखिरी बैठे 3 कबूतर हमारे, एक ये, एक ये हमारे टीके वाली दोनों बहनें। तो ये कबूतर है भाई जो आपके भाई के आज 11 घंटे पार करके, सॉरी मतलब 12 ही घंटे लगा लो, 11.5 घंटे से ऊपर की एवरेज दे के बैठे हैं।